जोधपुर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान की सरजमी वैसे अनमोल नगीनों से भरी पड़ी है, लेकिन एक नायाब कोहिनूर ने मरुधरा को हमेशा गौरवान्वित किया है। ये कोई और नहीं बल्कि देश की राजनीति के 6 दशक तक सेवा करने वाले श्री राम निवास मृधा है, जिनके विचार प्रदेश को नई ऊर्जा देते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर राजस्थान एक बार फिर अपने लाल को याद कर रहा है। आज बात राजस्थान की राजनीति के उस पुरोधा की, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से देश के राजनीतिक पटल पर एक अलग पहचान बनाई, स्वर्गीय श्री राम निवास मृधा। राजस्थान की राजनीति में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश और देश की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री राम निवास मृधा ने कई संवैधानिक और सामाजिक पदों को सुशोभित किया। उनका जीवन जन्म से मृत्यु तक की एक कहानी भर नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व की पाठशाला है, अनुभव की यूनिवर्सिटी है, समाज सेवा की मिसाल है। राजस्थान की राजनीति इस नाम के बिना अधूरी है। श्री राम निवास मृधा एक अद्भुत जीवन की कहानी की शुरुआत होती है 24 अगस्त 1924 से नागौर के कुचेरा गाँव से, जहाँ जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक श्री बलदेव राम मृधा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। वे बचपन से ही विलक्षण थे। श्री रामनिवास मृधा अपनी इसी विलक्षण प्रतिभा के कारण आज भी हमारी स्मृति में हैं। श्री मृधा की पत्नी का नाम श्रीमती इंदिरा मृधा है और उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी है। श्री मृधा ने अपनी एमए और एलएलबी की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने जिनेवा के ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से भी शिक्षा प्राप्त की। श्री रामनिवास मृधा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है 1953 से, जब उन्होंने राज्य सेवा से इस्तीफा देकर जायल क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। उन्होंने 13 नवंबर 1954 से मार्च 1957 तक मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में सिंचाई और परिवहन आदि विभागों में मंत्री पद पर कार्यभार संभाला। 1957 के चुनाव में वे लाडनू और 1962 में नागौर से फिर विधायक चुने गए। रामनिवास मृधा लगातार 25 मार्च 1957 से 2 मई 1967 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1970 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में गृह राज्य मंत्री नियुक्त हुए और बाद में 1977 तक नागरिक आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे। वे 1977 से 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। श्री रामनिवास मृधा ने 1983 में सिंचाई राज्य मंत्री और 1984 में विदेश राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया। राजीव गांधी सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में वस्त्र मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। दिसंबर 1984 में उन्होंने पहली बार नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ा और नाथूराम मृधा को पराजित किया। उसके बाद वे 1991 में मध्यावधि चुनाव में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। श्री मृधा कई वर्षों तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन में हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भी शामिल है। इसके अलावा श्री मृधा 1993 से 1997 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी रहे। साथ ही वे भारतीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। श्री रामनिवास मृधा तकरीबन 6 दशकों तक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। श्री रामनिवास मृधा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। युवाओं की सोच से तालमेल बिठाकर चलना और अपने अपार अनुभवों से हर समस्या को पल में सुलझा लेने में श्री मृधा सक्षम थे। वे पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते थे और अपने लोगों को भी इसका महत्व समझाने में उनकी तत्परता देखने लायक थी। अपने बेमिसाल जीवन में उन्होंने समाज, प्रदेश और देश की कई रूपों में सेवा की। उनका जीवन प्रेरणा देता है, उनका जीवन शिक्षा देता है। 29 जनवरी 2010, ये वो तारीख थी जिसने हमसे हमेशा के लिए श्री रामनिवास मृधा को छीन लिया। उनकी स्थूल देह तो अनंत में समा चुकी है, लेकिन वे आज भी विचार बनकर, शब्द बनकर, शिक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर फर्स्ट इंडिया परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नागौर के कुचेरा कस्बे में किसान नेता रामनिवास मृधा की 9वीं पुण्यतिथि मृधा के समाधि स्थल पर समारोह पूर्वक मनाई गई।
इस मौके पर सुबह से ही मरधा की समाधि स्थल पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। वहीं रामनिवास मरधा के पुत्र हरेंद्र मरधा ने भी मरधा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी ने भी पुष्प अर्पित कर मरधा को नमन किया। वहीं मरधा को याद करते हुए सहदेव चौधरी ने कहा कि रामनिवास मरधा ने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और गरीब मजदूर और किसानों के लिए काम करते रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सहदेव चौधरी जो कि पहुंचे हुए थे और उन्होंने पुष्प अर्पित किया, योगदान है उनको, श्रद्धांजलि दी उन्होंने। तो आज नवी पुण्यतिथि है, उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरह से बलदेव राम जी मिर्जा साहब ने प्रेरणा दी, उन्होंने रामव्यास जी मिर्जा साहब को, उन्होंने नाथुराम जी मिर्जा साहब को, उन्होंने परशुराम जी मदेवणा साहब को, उन्होंने पूर्णचंद जी बिश्नोई साहब को, उन्होंने जालराम जी को और कितने ही अपने जो किसानों के बच्चे थे उनको तैयार किया। और किसान आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी मैं समझता हूँ, नई जनरेशन को तो पता नहीं है, लेकिन अभी अपन में से बहुत लोग जो पुराने ज़माने के हैं उनको पता है कि किसान की क्या स्थिति थी मारवाड़ के अंदर। और मारवाड़ के अंदर किसान जो जीवन जी रहा था वो आज अगर अपन उसकी तरफ पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो वो किस तरह का नारकीय जीवन था। न उनका किसी ज़मीन पे हक था, न उनका जो अपने खाने पे हक था, न उनका अपनी किसी व्यवस्था पे कंट्रोल था। और उन्होंने किस तरह से किसानों को जागृत किया, उनको शिक्षा के लिए जो है तैयार किया, और इस तरह से शिक्षा के लिए उन्होंने जो है सारे मारवाड़ के अंदर जगह जगह हॉस्टल खोले, जगह जगह व्यवस्थाएं की, और जिसकी वजह से हमारे मारवाड़ के किसान आज जो है कहां से कहां पहुंच गए। मैं समझता हूं ये स्वर्गीय रामनिवास जी साहब और बलदेव राम जी साहब नाथुराम जी की वजह से ही हुआ है। और अपना जो नागौर ज़िला है मैं समझता हूं हिंदुस्तान में एक अग्रणी जिला कहा जाता है राजनीति के अंदर। आज भी कहीं भी अगर बात होगी तो मारवाड़ के अंदर जो है नागौर ज़िले को और नागौर ज़िले के अंदर कुचेरा को मैं समझता हूँ सबसे पहले हम लोग आगे मानते हैं। और इसलिए मानते हैं कि आज उन्होंने ये जो कृत्य किए जिसकी वजह से आज हम आगे बढ़े, आज बलदेव राम जी की वजह से कितने लोग जो है तरक्की कर पाए, किसानों को जो जागीरदारी हक मिले, और किस तरह से जो है जीवन यापन के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर बलदेव राम जी नहीं होते तो हम कहाँ होते, आज स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। तो हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि हमने बलदेव राम जी साहब ने जो कृत्य किए, रामनिवास जी साहब ने जो कृत्य किए, नाथुराम साहब ने जो कृत्य किए और उन्होंने जो हमें विरासत दी है उस विरासत को हम आगे बढ़ाएं। तीन युग अपन ने देख लिए, बलदेव राम जी का युग हमने बहुत कम देखा पर जो यहाँ बैठे बुजुर्ग उन्होंने उनके काम को भी देखा है। और आधुनिक भारत के अंदर जो रामनिवास जी की और नाथुराम साहब की मदेवणा साहब की भूमिका रही किसानों के हिसाब से वो भी आपने हमने देखा है। कोई भी समाज खास तौर से खासकर वर्ग जो हिंदुस्तान का 70% है इस देश के अंदर, उनको जब तक कुशल नेतृत्व नहीं मिलेगा और उनके माध्यम से अपनी भागीदारी देश के संचालन में देश के निर्णय में नहीं होगी तो अपन आगे बढ़ना अपने बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद नसीब है अपन के अपने समाज के ऐसे बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने सिर्फ नागौर को नहीं, राजस्थान को नहीं, पूरे देश को दिशा दी है और अपने सामने एक आदर्श के रूप में उन्होंने ज़िंदगी जी है। और आदर्श क्या होता है, किसके अपने पचनों पर चलना है वो अपने इन लोगों ने हमको दिया है। तो उनके पचनों पर चल के अपन आगे विकास करें, किसान भी विकास करें, नागौर भी विकास करें और देश भी विकास करें। और देश में समाज में अपनी भूमिका क्या बनती है उस भूमिका को अपन निभाएं, क्योंकि जब तक गांव और देश और किसान संपन्न नहीं होगा जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। 70% लोग जो गांव में रहते हैं काश्तकार हैं, जब तक वो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपनी बहन भूमिका है इस देश में समाज में कि अपन एकजुट होकर जो भी गांव की समस्याएं, किसान की समस्याएं, आम आदमी की समस्याएं, इन पे एकजुट होकर एक आवाज़ में अपन नहीं बोलेंगे तो अपनी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी और अपनी आवाज़ अगर कमज़ोर पड़ गई तो आने वाली पीढ़ी दुख पाएगी और अपन कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। हमारे नेताओं ने हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन पर चलना है और आगे भी अपन जो उनके बारे में
जितना भी अपन सोचें वो कम है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए उन्हीं कदमों पर अपन आगे चल के अपन अपना देश का और किसानों का भला कर सकते हैं। रामनिवास जी मिर्जा साहब हमारी मारवाड़ के लिए एक शाम थे। उन्होंने अपने जीवन काल में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, 36 कौम के लिए जो कार्य किए हैं आज हम उनको याद करते हैं। वो बहुत ही लिटरेरी और बहुत ही विद्वान आदमी थे और राजनीतिक रूप से वो सर्वमान्य व्यक्ति थे। वो इस तरह के व्यक्ति थे जिनको मैं समझता हूँ सारी पार्टियाँ जो है उनको मान्यता देती थी। उनका जीवन हमेशा जो है हमारे लिए प्रेरणा है और हम किसान जो है उनको हमेशा एक ईश्वर के रूप में याद करते हैं और लोग जो है उनसे आज भी प्रेरणा लेते हैं। उनके किए हुए कार्यों की वजह से, उनके बताए रास्ते से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही आज इस मौके पे हम चाहते हैं कि आज के टाइम में क्या जरूरत है कि ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है आज के समय? बिल्कुल जरूरत है साहब। समाज आज जिस तरह से खटपट में चल रहा है और जिस तरह से आपस में बिखराव और जो बातें कहते हैं उनके ऊपर लोग कायम नहीं मिलते। वो जब कोई भी बात कहते थे तो हमेशा उस बात पे कायम मिलते थे और हमेशा जो है उन्होंने समाज को सही मार्गदर्शन दिया है, यही उनका जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नागौर की धरती ऐसी धरती है जिसमें मिर्धा परिवार, रामनिवास जी हो चाहे बलदेव राम जी मिर्धा, उन्होंने इतनी उनकी पहचान छोड़ी कि चाहे प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति, उसमें नागौर अहम रहता है सब जगह। बिल्कुल नागौर अहम रहता है। बलदेव राम जी मिर्धा साहब ने उस जमाने के अंदर जो सामंती युग था, देश गुलाम था, उस समय जो है शिक्षा का अलग जगाया, किसानों के अंदर जो दूसरी व्यवस्थाएं थी उसके अंदर उनको मजबूती के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनके जीवन यापन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए उसको लोग याद करते हैं। और उस वजह से जो है उन्होंने नागौर ज़िले ने और हमारे मिर्धाओं ने जो है वो इसको पूरे मारवाड़ के अंदर, पूरे राजस्थान में जो है प्रेरणा के रूप में काम किया है, जिसकी वजह से लोग याद करते हैं आज भी। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी वहां पे। और ये उसी वक्त की तस्वीर है जब वो विधानसभा पहुंचे और पूर्व विधानसभा स्पीकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा की पुण्यतिथि पर जोधपुर के वीर तेजा हॉस्टल में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा में जाट समाज के युवाओं ने रामनिवास मिर्धा को श्रद्धांजलि दी और मिर्धा के बताए जीवन पथ पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वार्डन अशोक चौधरी ने रामनिवास मिर्धा के संस्मरण याद दिलाए। चौधरी ने कहा कि खर्च बचाने के लिए मिर्धा पोस्ट कार्ड पर विद्यार्थियों से समस्याएं मांगा करते थे। एक पोस्ट कार्ड पर समाज के युवाओं का काम हो जाता था। मारवाड़ के विकास और मारवाड़ की राजनीति की जब जब भी बात आती है तो नाथुराम मिर्धा और उनके पूरे परिवार का नाम आता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा की आज पुण्यतिथि है। पूरे मारवाड़ में शोक की लहर उस दिन से है जब से उन्होंने शरीर छोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मारवाड़ में आज भी उनको याद किया जाता है, खासतौर पर समाज के लोग हैं वो याद करते हैं। देख भी सकते हैं जोधपुर के जो वीर तेजा हॉस्टल है वहाँ पर जो वार्डन अशोक चौधरी उनके नेतृत्व में हमेशा इस तरह के आयोजनों पे उनको इसलिए याद किया जाता है कि उनसे समाज के लोग, युवा जो है वो प्रेरणा लें और कहने के समाज के विकास में अहम भागीदारी में। बात करते हैं अशोक चौधरी से, किस तरीके से रामनिवास जी का आज पुण्यतिथि है, आप इसको किस रूप प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं? रामनिवास जी मिर्धा ने शिक्षा जगत के अंदर जो कार्य किया था वो अत्यंत ही उत्कृष्ट है। इस जयंती को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि समाज के अंदर एक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, विद्यार्थी लोग शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। रामनिवास मिर्धा जैसे बुद्धिजीवी हमारे समाज के अंदर, इससे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं हुआ था। इन्होंने अपने काल के अंदर शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार किया। हर लड़के को कोई भी बात होती तो ये कहते थे कि वह दिल्ली मत आया करो, मुझे एक पत्थर दे दिया करो। गाँव वाले भी कोई अपनी समस्या कहते तो कहते मुझे एक पत्थर लिख दिया करो, पोस्ट कार्ड लिखा करो जिसके कम पैसे लगते हैं। वह पोस्ट कार्ड जब भी हम लिखते थे तब उसके बाद में हमारे जवाब आता था और वो हमारे विद्यार्थियों की सहायता भी बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए हम उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते। क्या कहते हैं, यूथ को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? हाँ, यूथ को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने नागौर धरती पर जन्म लिया और सबसे पुण्य काम यह कि उन्होंने वीर तेजा जी की धरती पर जन्म लिया। उन्होंने सिर्फ विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं बल्कि किसान कौम के लिए उन्होंने भारत सरकार के लिए मांग उठाई। किस तरीके से आप देखते हैं कि आज उनको याद किया जा रहा है, यूथ याद कर रहे, समाज के लोग याद कर रहे, बुजुर्ग याद कर रहे?
समाज और बुजुर्ग सब हमेशा के लिए उनको याद रखा जाए। आप देख सकते हैं कि जो यूथ है उनमें कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश रहती कि उनसे प्रेरणा लें। एक पोस्टकार्ड के जरिए एक यूथ का अगर कोई जिंदगी बनाने का काम करते थे तो वो रामदेव मिर्धा थे। और इसीलिए केवल जोधपुर की बात नहीं है, ग्रामीण अंचल है, चाहे बिलाड़ा है, भोपालगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर, सुरूपाली, जहाँ जहाँ भी जाट समाज के लोग आज एकत्र होकर के उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।